पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में, जिसमें कि इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का एक बार फिर से डंका बजा दिया है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कर एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देखेंगे। तो आज के वीडियो की आज शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा कि इसरो ने भारत का पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। इसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV का सफल परीक्षण करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। अगर बात करें इस पूरे खबर की, लेकिन उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यह देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यह देखा कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है। हमने देखा कि किस प्रकार से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। उसके बाद हम यह देखेंगे कि आखिर यह परीक्षण कैसे किया गया। इस परीक्षण के बारे में, ये जो सफल परीक्षण किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि आखिर RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है, और फिर उसके बाद इस परीक्षण की खासियत, इस परीक्षण की अहमियत भारत को लेकर के क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम अंतिम में इसके निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो का जो मुख्य बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर इसरो के द्वारा जो यह परीक्षण किया गया, उसकी खासियत क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमने यह देखा कि अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रविवार यानी कि 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने सफलतापूर्वक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV LEX को पूरा किया। अब यह जो परीक्षण है, ये कहां पर किया गया, तो बताते चले कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इस परीक्षण को अंजाम दिया गया, और इसमें वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा कि कहां पर इस परीक्षण को किया गया, तो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, और इस परीक्षण में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया है। इस ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन के लिए वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने सुबह के 7:10 पर RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लेकर उड़ान भरी, और उसके बाद 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर कमांड के तहत मानकों को ध्यान में रखते हुए RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को नीचे छोड़ दिया। इस दौरान पोजीशन, गति, स्पीड, ऊंचाई जैसे 10 मापदंडों पर नजर रखी गई, 10 मानकों पर ध्यान रखा गया, और सभी मानक किसी स्पेस रीएंट्री व्हीकल लैंडिंग के अनुरूप ही तय किए गए थे। हेलीकॉप्टर यानी कि वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के बाद RLV ने 7:40 पर ATR यानी कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, उस पर उसके एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी। दोस्तों, बताते चले कि यह इसरो का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं था, बल्कि इसके पहले भी इसरो ने एक सफलतापूर्वक परीक्षण करा हुआ है RLV को लेकर 23 मई 2016 को। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, यानी कि यह जो परीक्षण हुआ, यह इसका दूसरा सफलतम परीक्षण है। अब हम बात कर लेते हैं कि RLV होता क्या है, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता क्या है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक ऐसे रॉकेट जिन्हें की पुनः प्रयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर किसी चीज को हम पुनः प्रयोग करते हैं, तो इससे यह हम आसानी से कह सकते हैं कि यह हमारे लागत को कम करेगा। उसके बाद यह जो RLV है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम होता है, और ऐसे रॉकेट यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV को बार बार प्रयोग करना संभव है, जिससे कि अंतरिक्ष अभियान में आने वाले भारी भरकम लागत को कम किया जा सकेगा। RLV का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। साल 2010 और 2015 के पहले और दूसरे चरण के परीक्षण का प्रयास तकनीकी कारणों से असफल रहा था, यानी कि इसरो के द्वारा RLV का जो परीक्षण है, इसका प्रयास साल 2010 में पहला चरण और साल 2015 में दूसरा चरण इसका प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह असफल रहा। उसके बाद 23 मई 2016 को RLV का पहला सफल परीक्षण संभव हो पाया। अब हम बात कर लेते हैं पहले परीक्षण जो कि
2016 में हुआ। इसकी बात करें तो इस परीक्षण में प्रयोग हुए रॉकेट का वजन 1.75 टन्स था, जो कि 5 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुने ज्यादा की गति से पृथ्वी की ओर आई और इसे बंगाल की खाड़ी में पूर्व निर्धारित जगह पर लैंड कराया गया था, जो कि यह परीक्षण 23 मई 2016 को किया गया था। और यह जो परीक्षण दूसरा सफलतम परीक्षण था 2 अप्रैल 2023 को इसरो के द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया और इसमें वायुसेना DRDO और इसरो के भागीदारी से यह परीक्षण सफल हो पाया और वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर RLV-TD प्रोजेक्ट क्या है। RLV-TD व्हीकल प्रोजेक्ट टेस्टिंग की एक सीरीज है, जो कि 23 मई 2016 को RLV-TD प्रोजेक्ट किया गया था। इससे स्पेस में कम लागत वाली पहुंच बनाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। रीयूजेबल लॉन्च के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी के विकास का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। इसरो का RLV-TD एक एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है। इसमें एक फ्यूल जेल, उसके बाद एक नोज कैप, डबल डेटा विंग्स और ट्विन वर्टिकल स्टेल्स होते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर RLV-TD प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करी। अब हम देखते हैं कि आखिर यह परीक्षण खास क्यों है, इसके अहमियत भारत या फिर इसको लेकर क्या है। अगर बात करें इसकी खासियत की, इसकी अहमियत की, तो सबसे पहले हम यह बताएं कि अंतरिक्ष अभियान में आने वाले लागत की बात करी जाए तो यह बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि रॉकेट निर्माण में ही बहुत खर्चा जाती है। लेकिन अगर RLV के सहारे इसकी बात करें तो इस लागत को आसानी से कम किया जा सकेगा, जो कि भारत को विश्व पटल पर ख्याति और भारत के अंतरिक्ष अभियान के गुडविल को भी बढ़ाएगा। अगर बात करें कि RLV की, तो भविष्य में भारत को अपना स्पेस शटल तैयार करने में भी इसके जरिए मदद मिलेगी और RLV यान के जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी चलाए जा सकेंगे, जो कि युद्ध करने की जो दशा है उसको बदल दिया जाएगा और दुश्मनों के लिए यह एक आफत की तरह काम करेगी। अगर बात करें एक एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में, तो इन्होंने भी एक RLV बनाया है जिसका नाम है Falcon 9। तो क्या Falcon 9 जो RLV स्पेस एक्स कंपनी एलोन मस्क के द्वारा बनाया गया है उसमें और जो यहाँ पर इसरो की जो RLV है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV स्पेस एक्स से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान स्पेस एक्स रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो कि ज्यादा जटिल है। इसे रिकवर करने से ज्यादा पैसों की बचत होगी। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा और इसरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकता है। तो इससे यह हम देख रहे हैं कि कम लागत लगाते हुए इसरो की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि स्पेस एक्स के RLV से बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में हमें दिख रहा है और लागत भी कम आ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि भारतवर्ष के अंतरिक्ष अभियान को पूरे विश्व पटल पर ख्याति और इसके गुडविल को बढ़ाएगा। अगर हम बात करें अब निष्कर्ष की, तो आपको पता होगा कि हमने अभी तक बात किया, जैसा कि हमने देखा, अंतरिक्ष अभियान के लिए लागत एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आता है। तो अंतरिक्ष अभियान के लिए लागत बहुत महत्वपूर्ण है और RLV कम लागत के अभियान को सक्षम बनाने में यहां पर हमें सक्षम बनाएगा। तो इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष अभियान को विश्व पटल पर यह ख्याति दिलाएगा और कम लागत से हम अंतरिक्ष अभियान को कर पाएंगे और एडवांस तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि हमारा अंतरिक्ष अभियान या फिर इसरो का जो गुडविल है वो पूरे विश्व में फैलेगा। तो ये हमारा निष्कर्ष था RLV का इम्पोर्टेंस क्या है, RLV जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जो कि इसरो के द्वारा 2 अप्रैल 2023 को दूसरा सफलतम परीक्षण किया गया। यह हमारा अंतिम नहीं है, अभी इसरो और भी बहुत सारे परीक्षण करने बाकी है और भी बहुत सारे जो मुकाम है, आयाम है, वो छूने, वो टच करने बाकी है। अगर लागत कम आएगा तो हम ये आसानी से कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है इसरो के लिए। तो ये हमने आज की वीडियो में चर्चा करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और UPSC प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, अगर आप अपने तैयारी में एक धार देना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां पर UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रहार
कोम्बो के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग के 4000 MCQ, वो भी पूरी तरह से बाइलिंगुअल और UPSC लेवल के, मात्र आपको 699 में मिल रहे हैं। जिससे अगर आपको अवेल करना है तो गूगल प्ले स्टोर के ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप इसे अवेल करके अपनी तैयारी को धार देंगे, क्योंकि जितना आप टेस्ट लगाएंगे, जितने अच्छे प्रश्न पर आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी सफलता नजदीक होगी। दोस्तों, बात करें ब्रह्मास्त्र सीरीज की, तो इसमें आपको हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं पूरी तरह से बाइलिंगुअल, मात्र 299 में। और इसे भी अगर आपको अवेल करना है तो गूगल प्ले स्टोर से ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां से इसे आप अवेल करके अपनी तैयारी में धार देंगे, अपनी तैयारी को सफल बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो यहाँ तक आज हमने देखा, अगर ऐसे ही अपडेट के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।